लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। और अब आपको जो ऑब्जेक्टिव की जो प्रॉब्लम है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आने वाले, उसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर कर दूंगा चैप्टर वाइज एक एक करके। तो आज सेकेंड चैप्टर है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। तो आपको कमेंट करके जल्दी बताओ कि इसमें से चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं और आंसर लगा देते हैं क्या ए ऑप्शन करेक्ट, बट ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म विद रियल कोएफिशिएंट की हम बात करें तो आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, कि कंडीशन होती क्या है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो साथ में ये ए की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है उसका कोएफिशिएंट, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे नहीं कहा जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आप भी कमेंट करते जाओ फटाफट आंसर। इन द फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन एस एच ओ डब्ल्यू एन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ओके, तो पी एक्स के मतलब इसमें जीरोज बताने हैं। ओके, तो पी एक्स जीरो जब जो बताने हैं आपको पॉलिनोमियल के, तो आप कैसे बता सकते हो, आपको ये बताना होगा कि इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। तो देखो ये जो लाइन एक ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, तीन बार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तीन। ओके, जीरो जो पूछे जाते हैं वन मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आप कमेंट करके बताओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी जीरोज बताने हैं, कितना होगा, वन या टू। हाँ, टू बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन, क्योंकि ए और बी पॉइंट पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक रूट जो है, एक मूल जो है, वो दूसरे का विलोम है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, विलोम। तो इसका k की वैल्यू बतानी है। अब दो रूट्स की बात करें तो एक रूट्स अल्फा होगा, एक बीटा होगा। अब मान लो अल्फा की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, और बीटा अगर उसका उल्टा है तो 1 बाय एक्स होगा। तो एक को हमने x मान लिया, एक को 1 बाय एक्स। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बस उससे थोड़ा टाइम लगेगा। ज़्यादा बेस्ट क्या है कि आप अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगाओ। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि x मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा यानी x मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स रखेंगे और इक्वल्स टू में सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, के, और ए की वैल्यू क्या है, फाइव। तो एक्स मल्टीप्लाई वन बाय एक्स यानी एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा वन, और इक्वल्स टू में के अपॉन फाइव। जब क्रॉस इनटू करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, एक इक्वेशन गिवन है आपको और अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर दो, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फिफ्थ का आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी या सी। हाँ, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन आर थ्री एंड माइनस थ्री देन थर्ड जीरोज। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है आपको और उसके दो जीरोज दे रखे हैं, थर्ड जीरोज निकाल लिए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आपने अल्फा बीटा और गामा वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे, क्योंकि आप स्टैंडर्ड मैथ में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम में आएगा ऐसे क्वेश्चन। तो अल्फा बीटा गामा के दो फॉर्मूले हैं, दो तीन फॉर्मूले हैं, लेकिन दो में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, उसे लगा लो, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप जब दोनों में से कोई सा फॉर्मूला आप लगाओ, वैल्यू रख दो, उस पर आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब ये दोनों जब जोड़ोगे, अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लगा रहे हो तो ये दोनों जोड़ते ही तो जीरो हो जाएगा, यानी सिर्फ गामा बचेगा इधर, और इक्वल्स टू में क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या, वन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, वन। तो आंसर आ जाएगा। अगर आपको अल्फा बीटा के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैंने दो पार्ट दो वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स के नाम से डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे देख लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स अल्फा बीटा से रिलेटेड जितनी भी सब दूर हो जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ
root 5 and minus root 5 are two zeros of polynomial, then third zeros. सेम ही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाने, या तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फॉर्मूला लगा लो, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. क्या आंसर आएगा आप बता सकते हो कमेंट करके, जल्दी करो कमेंट. जी माइनस थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा. सेवन्थ का क्या आंसर होगा? माइनस थ्री, बी ऑप्शन करेक्ट होगा. एट्थ क्वेश्चन देखते हैं. एट्थ का बता सकते हो आप कमेंट करके क्या होगा? व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखी है उसमें क्या जोड़ा जाए सो दैट थ्री इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल. मतलब इसमें क्या ऐड कर दें कि उसका जो जीरोज बन जाए वो क्या बन जाए? थ्री. मतलब ये इक्वेशन में अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट कर थ्री पुट कर दें तो आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए. ये कहने का मतलब ये है. तो आप सिंपल सा क्या करना है, आपको थ्री इसमें पुट कर दो एक्स की जगह. तो यहाँ पे थ्री रखोगे थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, यहाँ पे थ्री रखोगे तो माइनस फिफ्टीन होगा, और ये प्लस का फोर. तो ये प्लस का नाइन और प्लस का फोर कितना हो जाएगा? प्लस का फोर्टीन. और ये माइनस का बीच में कितना आने वाला है? फिफ्टीन. तो प्लस का थर्टीन और माइनस का फिफ्टीन, यानी कि जब घटाओगे तो माइनस का दो बच रहेगा, माइनस का दो बच रहा है. तो माइनस का दो नहीं बचना चाहिए था ना, इसके लिए हमें क्या करना था? यानी दो जोड़ना था. तो दो जोड़ दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी जीरोज बन जाएंगे. क्या करना है, सिर्फ इस वैल्यू को, ये वैल्यू जो है थ्री, इसको इसमें पुट कर देना है. जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा, चाहे वो नेगेटिव बचे, नेगेटिव बचे या पॉजिटिव, वही आंसर होगा. लेकिन ध्यान रखना, नेगेटिव बचेगा तो भी हम रिमाइंडर में आंसर क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे. ओके. नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला लगाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का. ये मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, आप कमेंट करके बता देना इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, 37/4. एक तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूले के भी से कर सकते हो. आप इसका फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टर करोगे और फैक्टराइजेशन शॉर्ट ट्रिक नहीं आती तो उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी, उसे आप देख सकते हो. आप फैक्टराइजेशन देखते ही बता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा. इसके दो जीरोज क्या आएंगे, दो फैक्टर्स क्या आएंगे? एक तो एक्स की वैल्यू थ्री आने वाली है और एक वन बाय टू आने वाली है. ओके, थ्री और वन बाय टू. तो थ्री और वन बाय टू, जब अल्फा, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया. अब इसकी वैल्यू इसे पुट कर दो थ्री, अगर मान लो अल्फा की जगह वन, अल्फा की जगह थ्री पुट करते हो तो कितना आएगा? थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, और बीटा की जगह वन बाय टू पुट करते हो तो वन बाय फोर होगा स्क्वायर करने पे. एलसीएम लेके ऐड करोगे 37/4. तो आप इससे भी कर सकते हो, आप फैक्टर करके दो जीरोज निकाल लो, अल्फा एक हो, अल्फा हो जाएगा एक बीटा, और वैल्यू पुट कर दो. टेंथ क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, अल्फा बीटा गामा क्या है इसके जीरोज हैं, तो आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू. इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सी अपॉन ए होता है. तो सी की वैल्यू क्या है? माइनस वन आएगी यहाँ से, क्योंकि एक्स का कॉफिशेंट क्या है? माइनस में है, तो माइनस वन आएगा. और अपॉन में ए, ए की वैल्यू भी, यानी इसका कॉफिशेंट भी क्या होगा? वन. तो माइनस वन अपॉन वन, यानी आंसर क्या होगा टेंथ का? माइनस वन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा. इलेवंथ क्वेश्चन है, वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखे इसमें से क्या घटाया जाए सो दैट 15 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ताकि 15 जो है उसका जीरोज बन जाए. तो आपको क्या करना है, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, इस 15 को x की जगह पुट करना है, और जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना बच जाएगा वही आंसर होगा. यहाँ 15 पुट करोगे तो कितना होगा? 15 का स्क्वायर 225, और यहाँ 15 पुट करोगे तो 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 240, और प्लस में 30. तो सबसे पहले हुआ था x का स्क्वायर करने पे 225, और ये भी प्लस का, तो दोनों को ऐड करोगे 255 आएगा. 255 में से 240 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 15. बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट होगा. 11th का क्वेश्चन नंबर 12th, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, आपने देखा होगा, आपको आता होगा. क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा. इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तो अल्फा बीटा वाले से डायरेक्ट हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, आंसर इसका आने वाला है बी ऑप्शन. 12th का क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है. 13th बताओ कमेंट करके जल्दी से, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. प्रोडक्ट बताने का मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला आपको लगाना है और आंसर आ जाएगा. क्या होता है फॉर्मूला? माइनस डी अपॉन ए. तो माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी क्या है? डी की वैल्यू क्या है? माइनस सिक्स है, और फॉर्मूले भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो आंसर कौन सा होगा 13 का? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि माइनस सिक्स, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का सिक्स अपॉन में क्या वन, ए की वैल्यू तो वन है इस क्वेश्चन में, तो आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14, इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर
एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको और एक्स माइनस टू उसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू इसमें टू पुट कर दी जाए, ये माइनस टू है ना यहाँ पे, जब इसे सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टू। अगर टू इसमें पुट कर दोगे तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, जीरो। लेकिन आपसे पूछा गया है के की वैल्यू, तो आप इसमें ये एक्स माइनस टू है इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल्स टू टू हो जाएगा, पॉजिटिव टू। तो एक्स की जगह टू पुट कर दो और आंसर जल्दी कमेंट करके बता दो क्या आने वाला है। 14th का क्या आएगा आंसर, इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, माइनस टू, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ हु जीरो इज जीरो एंड वन जीरो इज थ्री, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो दे रखी है और उसमें से एक वैल्यू, चाहे आप अल्फा ले लो उसे एज्यूम कर लो या बीटा, उसकी वैल्यू थ्री दे रखी है। तो पहले तो आपको बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनानी पड़ेगी। तो आप इसे देख के भी समझ सकते हो, ये ऑप्शन से देख के समझ सकते हो, क्योंकि इसका फैक्टर होगा नहीं, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ हो सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर लिख सकते हो, तो क्या बनेगा, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार एक्स माइनस थ्री और एक बार एक्स प्लस थ्री। तो दोनों जीरोज को, जो दो जीरो जाएंगे, एक तो माइनस का थ्री आने वाला है और एक प्लस का थ्री, अगर दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। और इस क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि सम ऑफ जीरोज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो माइनस थ्री और प्लस थ्री जब जोड़ोगे तो जीरो होता है। तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा, सारे क्वेश्चन हम बिना पेन के बिना सॉल्यूशन के कर रहे हैं, मेंटेलिटी अपने मेंटेलिटी को स्ट्रांग करने के लिए, ताकि हम माइंडली क्वेश्चनों को कर सकें, एमसीक्यू क्वेश्चंस को। और फिर भी जो समझ नहीं आए कमेंट करके बताना, मैं उनकी अलग से सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप रियल नंबर वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगली वीडियो में थर्ड चैप्टर में के लिए मिलेंगे हम, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लगातार वीडियो चलते रहेंगी, और बाकी मैंने पेपर्स भी अपलोड कर रखे हैं एस ए वन के लिए, एस ए टू के लिए, उन्हें देख सकते हो आप। हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं, साइंस के कुछ सैम्पल पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, और इस साल के भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो लगातार चैनल से जुड़े रहो और दूसरों को भी जोड़ते रहो।